नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर चंद्रजीत, आपका अपना डॉक्टर चंद्रजीत यूट्यूब चैनल में स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बताएंगे कि अपना जो पशु है, गाय है, भैंस है, उसको एक बीमारी हो जाती है, जिस बीमारी का नाम है लिंगड़ा बुखार। लिंगड़ा बुखार कहने का मतलब, इंग्लिश में इसको ब्लैक क्वांटम भी कहते हैं और कहीं कहीं इस बीमारी को अढ़ैया बुखार भी कहते हैं। तो इसके बारे में आज हम बताएंगे कि कौन सा दवा, अगर यह पशु को यह बीमारी हो जाए लंगड़ा बुखार, तो कौन सा दवा दिया जाए और इसका क्या क्या लक्षण है, और उसके बाद इस बीमारी कैसे फैलता है उसके बारे में हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले, मेरा यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला घंटी दबा दीजिए, ताकि नेक्स्ट में हम पशु संबंधित कोई भी वीडियो डालूँ तो वह आप तक पहुँचे और सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए किसान भाइयों, बात करते हैं कि यह जो बीमारी है लंगड़ा बुखार, यह फैलता कैसे है। तो किसान भाइयों, जिस पशु को यह लंगड़ा बुखार यानी कि ब्लैक क्वांटम डिजीज होल रहता है पहले से, उस पशु को एक सैंडी फ्लाई नामक का जो मक्खी है, सैंडी फ्लाई, वह मक्खी उस डिजीज, जो पशु ग्रस्त है इस रोग से, वह पशु को अगर काटती है और फिर वह मक्खी जो है सैंडी फ्लाई नाम का, वह दूसरे पशु को काटती है, तो इसी वजह से जो है एक पशु से दूसरे पशु में यह बीमारी फैलती है। उसके अलावा किसान भाइयों, यह बीमारी जो हो जाए तो क्या क्या लक्षण पशु दिखाएगी वह हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले, जो पशु को अगर यह ब्लैक क्वांटम यानी कि लिंगड़ा बुखार हो जाए, वह पशु का टम्परेचर जो है, फीवर, उसको 101 से लेकर के 104 डिग्री 5 डिग्री तक के रहती है, 103 भी रहती है। साथ में उसको एक और परेशानी हो जाती है, वह परेशानी जो है उसको जो है चलने में दर्द देगी। तो दर्द देने के दौरान जो है, जो पशु चलेगी तो पशु के चलने के दौरान पैर में दर्द देगी, तो पैर में दर्द देगी तो वह जो है पशु लंगड़ा के चलती है। तो इसीलिए यह बीमारी का नाम जो है लंगड़ा बुखार दिया गया है। तो किसान भाइयों, चलिए बताते हैं इसका अब ट्रीटमेंट क्या है। साथ में जो है यह बीमारी का एक और लक्षण देखने को मिलेगा, नाक से जो है, नाक से नेटा यानी कि पानी चलते रहेगा। तो चलिए किसान भाइयों, बात करते हैं कि इस बीमारी में अगर हो जाए तो ट्रीटमेंट क्या क्या करना है, दवा कौन कौन सी देना है। तो सबसे पहले तो एक दवा आता है पेनेसिया कंपनी का P-Killer 4, जो कि इस तरह से है, पिक्चर भी बताते हैं। P-Killer 4 देखिए, P-Killer 4, ऐसे साइड में जो है हम इसका फ़ोटो भी खींच के डोज भी लिख दिया है। यह P-Killer 4 का जो साल्ट है यानी कि कंपोजिशन, वह है नीमोसलाइट पैरासीटामोल। देखिए, नीमोसलाइट पैरासीटामोल। किसान भाई, जो हम अभी दवा बताते हैं वह अगला कैमरा होने के वजह से जो है इसका पिक्चर साफ से नहीं दिख पाता है, इसीलिए हम फोटो खींच के सभी दवा का, जो जो दवा बताते हैं वह बगल में बताते हैं और डोज भी लिख देते हैं। तो यह जो P-Killer 4 है, जिसका कंपोजिशन है यानी कि साल्ट है नीमोसलाइट पैरासीटामोल, अगर आपका पशु जो है 4 क्विंटल के करीब है, तो आप उसको यह जो P-Killer 4 है 20 ml दीजिए, जिसका कंपोजिशन है नीमोसलाइट पैरासीटामोल, यह 20 ml दीजिए। उसके बाद अगर छोटा पशु है 2 क्विंटल के करीब है, तो उसको 10 ml दीजिए, और उससे भी छोटा है 1 क्विंटल के करीब है, तो यह P-Killer 4 जो है, जिसका कंपोजिशन नीमोसलाइट पैरासीटामोल, जिसका साल्ट है, अगर छोट पशु है 1 क्विंटल के करीब है, तो उसको 5 ml दीजिए। किसान भाइयों, ध्यान रहे, यह जो इंजेक्शन है सिर्फ ओनली मांस में देना है, अंदर मांस में देना है, नस में नहीं देना है। उसके बाद साथ में एक और दवाई देना है, जिस दवा का नाम है कॉन्सीप्लेक्स। देखिए, इसका भी साइड में हम पिक्चर खींच के बता दिए हैं। कॉन्सीप्लेक्स, अगर 12 पशु है 4 क्विंटल करीब है, तो यह जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसका साल्ट है, कंपोजिशन है, यह कॉन्सेप्ट कंपनी का आता है, यह कॉन्सीप्लेक्स अगर 12 पशु है 4 क्विंटल करीब है, तो आप उसको 15 ml दीजिए, छोटा पशु है 2 क्विंटल करीब, तो 7 से 7.5 ml, और उससे भी छोटा है 1 क्विंटल करीब है, तो आप उसको 5 ml दीजिए। और साथ में एक और दवा दीजिए, सेफेस्टान। देखिए, सेफेस्टान,
इसका जो कंपोजिशन है, साल्ट है, सेफ्टेरिया जोन है। अगर बड़ा पशु है, 4 क्विंटल करीब है, तो यह जो इंजेक्शन है सेफेस्टान, उसको 4 ग्राम दीजिए। अगर 3 क्विंटल के करीब है तो 3 ग्राम, 2 क्विंटल के करीब है तो 2 ग्राम, और 1 क्विंटल के करीब है तो यह 1 ग्राम देना है। किसान भाइयों, यह जो है इंजेक्शन है, इसमें जो एक डिस्टिल वाटर रहता है अंदर में, डिस्टिल वाटर और एक पाउडर रहता है। इस डिस्टिल वाटर को 20 ml का डिस्टिल वाटर रहेगा, इस पाउडर में मिला लेना है। और यह जो इंजेक्शन, इसको भी मांस में दीजिए। आप यह जो इंजेक्शन नस और मांस दोनों में दे सकते हैं, लेकिन मांस में दीजिए। जो हम अभी दवा बताए हैं, यह तीनों दवाई अगर आप अपने पशु को देते हैं तो निश्चित कहते हैं कि आपका जो पशु है, एक खुराक दवाई में उसको जो लगाने वाला परेशानी और बुखार है, जिसके वजह से आपका पशु खाना पाजुज कम कर दिया है, वह बीमारी से लंगड़ा बुखार जो है उससे बाहर आ जाएगी। किसान भाइयों, मेरा यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है कि ख़राब लगा है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। किसान भाइयों, जो हम अभी वीडियो बताते हैं, दवा बताते हैं, ऐसा नहीं जो हम दवा उठाए आपको बता दी, नहीं, हम प्रैक्टिकल करते हैं, हम डॉक्टरी इलाज करते हैं, और जहाँ जो जो दवाई से रिजल्ट मिलता है वही वही दवाई हम आपके सामने में लाते हैं। नमस्कार।